भारी मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। जहां हजारों घर मनहदम हो गए तो वहीं लाखों एकड़ पर काश्त की गई फसलें भी सैलाबी पानी अपने साथ बहा कर ले गया। सैलाब के बाइस वबाई अमराज फूटने का खतरा बढ़ गया है। ऐसी सूरत हाल में डिग्री के एक गांव में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बहन भाई डॉक्टर्स ने डिग्री में सैलाब मुतासरीन के लिए एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया। इस मौके पर डॉक्टर ने रोज़ न्यूज़ को बताया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सोहेल कायम खानी है और मैं जो है वो सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद में पीठ डिपार्टमेंट में जो है वो एज ए पीडियाट्रिशियन काम कर रहा हूँ। और सैलाब जदगान के लिए ये कैंप लगाया गया है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से जो है वो कैंप को मैनेज किया गया है। और ज़्यादातर यहाँ पर जो है वो सैलाब जदगान मरीज़ों में जो मैंने नोट किया है वो ज़्यादातर जो है वो प्रॉब्लम है, स्किन के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हमारे पास आ रहे हैं और इसके अलावा जो है वो डायरिया के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और इसके अलावा जो है वो अपना अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के केसेस जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं। मेरे साथ जो है वो कैंप में शरीक हैं मेरी सिस्टर हैं डॉक्टर नाहिद कलीम, वो गायनी के पेशेंट देख रही हैं, मैं जो है यहाँ पे पीट्स के पेशेंट देख रहा हूँ। मुनक्किद किए गए मेडिकल कैंप के मौके पर गांव के रिहायशियों ने डॉक्टर बहन भाई का शुक्रिया अदा किया और तवक्को की कि मुश्किल की इस घड़ी में दीगर अफराद भी ज़ाती हैसियत में सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद करेंगे।